हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएल एग्ज़ाम को लेकर, और मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ इंग्लिश के सेक्शन में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये पार्ट टू है। इसके पहले हमने आपको पार्ट वन दे दिया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपका यूपी पीसीएल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर इंग्लिश के सेक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे यहां पर हम बात करेंगे प्रश्न में परिवर्तन के नियम, यानी कि रूल्स फॉर द दोस्तों चेंज यहाँ ऑफ पर दिया गया पर्सन। आपका रूल नंबर पहला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई मी माई माइन वी अस अवर, यानी कि ये आपका दोस्तों क्या, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आगे क्या है, को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपका ये जो दिया गया है, ये रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे, जैसे कि आई मी माई माइन वी अस अवर, इनको जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है ये, ठीक है, इसका जो कर्ता होगा उसके अनुसार जो है इसको जो है बदलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। पहला क्या है कि आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। आई सेड, यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर भी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो आई का आई ही रहेगा, कोई भी यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगा। आई सेड दैट आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। और हमने आपको पिछले पढ़ में भी बताया था कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट में होता तो ये आपका पास्ट में चेंज होता है, यहाँ पर आपका डेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, यू सेड, ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, आई एम लर्निंग माई लेसन, ये क्या है आपका, ये आपका है रिपोर्टिंग, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो दिया गया है फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहाँ पर आई दिया गया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, आई मी माई माइन वी अस अवर, इनको जो है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इसका जो कर्ता होगा होता है इसके अनुसार चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, यू सेड दैट, यहाँ पर इसको हटाएंगे कॉमा, और इनवर्टेड कॉमा को दैट आएगा, और आई को चेंज करेंगे यू के अनुसार, यू वर लर्निंग मी है, तो इसका आपका आवर योर हो जाएगा, योर लेशन। आगे बात करेंगे, अगला, सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि सीता सेड दैट, अब ये आई आपका इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सीता क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। माई क्या है, यहाँ पर माई का हो जाएगा आपका, हार हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो चेंजिंग होता है आपका टेंस में वो वैसे ही होता रहेगा। ठीक है, वो हमने आपको पहले बता ही दिया था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दे सेड वी वॉन्ट टू गो टू अलीगढ़, अलीगढ़। ठीक है, तो दे सेड दैट, अब यहाँ पर वी है, वी चेंज होगा इसके अनुसार, तो यहाँ पर भी आपका दे हो जाएगा, वांटेड टू गो टू अलीगढ़। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ये सेंटेंस ये आपका है प्रेजेंट में, तो आपका पास्ट में चेंज होगा। तो इसका आप पहला पार्ट जरूर देखिए। ठीक है, आगे बात करेंगे रूल नंबर टू की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित या परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू या योर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। यानी कि यहाँ पर बात यह की गई है कि आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसमें अगर यू या योर्स आता है, यानी कि अगर आपका सेकंड पर्सन आता है यू या योर्स, ठीक है, तो इसको जो है बदलते हैं किसके अनुसार, इसको दोस्तों बदलते हैं आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार इसको चेंज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, कि ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो यहाँ पे क्या होगा, ही टोल्ड मी, इस मी के अनुसार हम इस यू को चेंज करें, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा आई वाज हैप्पी। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे सेम भी आपका वही पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, ही सेड टू यू यू आर अ फूल, तो ही टोल्ड यू दैट यू आर अ फूल, यू है तो यू के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे यू ही रहेगा। ठीक है, अगला चौथा देख लेते हैं आप सीधा, ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड, तो ही टोल्ड देम, सेड टू की जगह पे अब क्या होगा, टोल्ड होगा, इसको हटाएंगे दैट यहाँ पर होगा, यू दोस्तों जो है इसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे देम
देम के अनुसार, यानी कि दे आर का आपका वर हो जाएगा, वेरी हैवी क्वेश्चन वेरी नंबर यहाँ पर सैड। दोस्तों ठीक आपका है, दिया गया है। अगला यहाँ पर आपका नोट है और इस नोट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके पश्चात किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। आगे क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे अपने आपास यानी कि खुद से, ठीक है, मान लेंगे वहाँ पर इसका प्रयोग कर लेंगे, प्रयोग करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये आपका जो दिया गया पार्ट ये, ठीक है। इसमें जो ये सेकंड पर्सन दिया गया है, इसके जो प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। कैसे, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, यानी कि राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे आपका यू यू दिया गया है, यहाँ पर हमने मान लिया कोई थर्ड पर्सन और उसके अनुसार हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी कि हिम माना और हिम का क्या होता है यहाँ पे ही होता है, ठीक है। आगे और देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते, जैसे कि उपर्युक्त वाक्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर आप याद रखेंगे, कैसे, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, यानी कि राम टोल्ड मी, इसको फर्स्ट पर्सन के अनुसार भी चेंज कर सकते, आई यू को आई में आई शुड वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें दी तो गई दोस्तों हैं, यहाँ ठीक पर है। आगे दिया गया है, अतः स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन की प्रोनाउन को आशय अथवा संदर्भ के अनुसार फर्स्ट या थर्ड पर्सन किसी में भी बदल देते हैं, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया है, इसका आशय जो है यह फर्स्ट पर्सन में निकल रहा है या कि या थर्ड में निकल रहा है, ठीक है, और जिसके अनुसार निकल रहा होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें जो है हम फर्स्ट या थर्ड को किसी एक को मान लेंगे जिसके अनुसार जो है आशय निकल रहा होगा, ठीक है। और उसी के अनुसार यहाँ पर आपका जो ये दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो यहाँ पर आप कह दिया का सेकंड पर्सन, इसको चेंज कर देंगे। तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल, पहले यहाँ पर है कि ही सेड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, यानी ही आस्क्ड, यहाँ पर क्या मान लिया कि मी, यानी कि फर्स्ट पर्सन, व्हाट, अब यहाँ पे यू को चेंज कर लेंगे यहाँ पर मी के अनुसार, आई, और यहाँ पर गॉट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो ये हमने आपको पहले ही बता दे रखा हैड गॉट इन योर का हो जाएगा माई बैग। एक और देखते हैं, ही सेड व्हाई डिडेंट यूज यूज द ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ही आस्क्ड हर व्हाई सी हैड नॉट यूज द ब्रेक। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो आपको बताया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता यदि सकते हैं, यह ठीक है स्पष्ट होता दोस्तों। है कि यू का प्रयोग किसके लिए है तो उसके पर्सन के अनुसार बदल देते हैं, जैसे कि ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस आनंद, यहाँ पे आनंद है, ठीक है, तो इस आनंद के अनुसार जो है यहाँ पर बदल देंगे, ठीक है। ही टोल्ड आनंद दैट ही कुड गो टू हिज हाउस, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पर रूल नंबर अगला यानी कि थ्री नंबर है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि आपका ये जो दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन की प्रोनाउन को ही सी इट दे हिज हर, ठीक है, इन सब में कोई भी चेंजिंग कभी भी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि सुरेश सेड ही इज अ क्लर्क, यानी कि सुरेश सेड दैट ही वाज अ क्लर्क, यानी कि थर्ड पर्सन जो दोस्तों आपको होता है, ठीक है, इसके जो प्रोनाउन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई सेड सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, यानी कि आई सेड दैट, सी का यहाँ पे सी रहेगा, इज का यहाँ पे वाज हो जाएगा नॉट अ गुड प्लेयर। अगर यहाँ पर नोट है कि नाउन को सदैव हम थर्ड पर्सन मानते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की कर्ता और कर्म दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय कोष्टक के भीतर उनके सामने उन व्यक्तियों का नाम लिख देते हैं, जैसे कि निर्मला सेड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, यानी कि निर्मला टोल्ड मीरा दैट, अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सी, उसके बाद उसका नाम लिख देंगे, निर्मला वुड ऑलवेज हेल्प हर, यानी किसकी हेल्प, यानी कि मीरा की,
ये चीज भी यहाँ पर आप याद आगे रखेंगे। दोस्तों इसका एक और पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि यदि डायरेक्ट में आई या वी के साथ सेल हो और इनडायरेक्ट बनाते समय आई के स्थान पर ही या सी तथा वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया हो तो सेल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके उड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर याद आगे आपका रखिए। दिया गया प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स के परिवर्तन हेतु निम्न तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इस तालिका को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि ही का है इसका हिम होता है, इसी का हर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तालिका को आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2। जल्द ही हम दोस्तों इसका पार्ट 3 देंगे और पार्ट 3 में या पार्ट 4 में पूरा आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है इसको मैं आपको पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दूंगा। और ये आपके यूपी दोस्तों पीसीएल अगर वीडियो एग्जाम ये के लिए अगर बहुत आपको ज़्यादा पसंद इंपॉर्टेंट आया है है तो इसको आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, रन सही।